सो फाइनली मैंने अपने कान्हा जी का कान्हा जी के लिए डेकोरेशन कर लिया है। सो इट्स टाइम टू रिवील। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डी क्रिएटिव क्वीन। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ आपके लिए नई वीडियो लेके। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि लो बजट में हम घर में डेकोरेशन कैसे करें, जैसे कि जन्माष्टमी है और अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो सबसे कम प्राइस में और सबसे कम बजट में जो भी आपके पास घर में सामान अवेलेबल है उससे हम घर में डेकोरेशन कैसे करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वॉल पे मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ। वैसे तो बैकग्राउंड अगर लाइट कलर का हो तो डेकोरेशन ज्यादा अच्छी लगती है, बट मेरे पास ऐसी कोई लाइट कलर की वॉल है नहीं, कहीं पेंटिंग लगी है, कहीं कुछ लगा है। सो यही मेरे पे पेन वॉल बची थी जिसमें मैं अब डेकोरेशन करूंगी। सो बैकड्रॉप बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक व्हाइट कलर का दुपट्टा। आपके पास अगर कोई बेडशीट है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दिवाली के जो डेकोरेशन के फ्लावर होते हैं वो ही पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इसी का यूज़ किया जाए। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को हैंग करूँगी। अब वाइट को कंट्रास्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी पिंक कलर का दुपट्टा और उसको दोनों साइड से पिनअप कर लेंगे। अब इसके सेंटर में मैं लगाऊंगी यहाँ पे एक मोर पंख। यहाँ पे मैंने लगाया है एक स्टडी टेबल और उसको भी मैं व्हाइट कलर के दुपट्टे से कवर कर लूंगी। और अब लगाऊंगी मैं कान्हा जी का झूला जो कि मैंने खुद बनाया है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। सेटअप को थोड़ा और डेकोरेट करेंगे, थोड़े फ्लावर्स लगाएंगे, थोड़े से चीनी मिट्टी के पॉट्स लगाएंगे। और ये रही मेरी पूजा की थाली जिसमें मैंने थोड़े फूल रखे हैं, थोड़ी स्वीट रखी है और दिया रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी रख सकते हैं जो भी आप पूजा में यूज करते हैं। सो फाइनली मैंने डेकोरेशन कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा इसका फाइनल आउटकम आया है। सो हियर इज द फाइनल लुक गाइस। सो आपको ये डेकोरेशन कैसी लग रही है प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। और आप भी इसे घर में इजीली रिक्रिएट कर सकते हैं। आपके पास जो भी मटेरियल है, आर्टिफिशियल फ्लावर है या ओरिजिनल फ्लावर है, उससे भी आप इजीली डेकोरेट कर सकते हैं। Thanks for watching guys, till then bye bye and take care।